सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे पौधे के बारे में जिसको हम घर में आसानी से गमले में लगा सकते हैं, और इसको जो है लगाने से क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान, वो भी इस वीडियो में बताएंगे। ये देखिए, ये पौधा है पत्थर चट्टा का, जिसके औषधि गुण बहुत ज़्यादा होते हैं। इससे जो है पथरी की दवाइयाँ बनती हैं, पथरी की दवाई के लिए इसको सीधे भी उपयोग में किया जाता है। इसको हम जो है पर्ण बीज भी कहते हैं। पर्ण बीज इसलिए कहते हैं क्योंकि पर्ण मीन्स होता है पत्ता, यानी पत्ते से जो है इसका पेड़ भी बन जाता है। इतना ताकतवर पत्ता होता है, इसमें पेड़ भी बन जाता है। ये देखिए, बगल में जो ये गमला लगा हुआ है इसमें ये पत्ता गिर गया था, और ये देखिए ये कितनी आसानी से ये पेड़ देखिए उग गया है। इससे जो है पत्ते से ही पेड़ बन जाता है, इसमें जड़ों की आवश्यकता नहीं होती है। ये देखिए, इसका पत्ता काफ़ी मोटा होता है। इस पेड़ को जख्म ए हयात भी कहते हैं, यानी कई प्रकार के जख्मों पर लगाने से काफ़ी फायदा होता है। कोई अंदर के, अगर पेट के अंदर के घाव हैं उसमें बहुत फ़ायदा करता है, इसलिए हम इसको अपने गमले में बहुत आसानी से उगा सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से ये हरा भरा है पेड़, जबकि अभी मई का महीना है, काफ़ी गर्मी होने लगी है। इसको हम औषधि में तीन प्रकार से ले सकते हैं। पहला, इसका जो पत्ता है इसको पीस कर ले सकते हैं, इसका रस जो है निकाल कर भी ले सकते हैं, और इसका काढ़ा भी बनाकर इसको हम उपयोग में ला सकते हैं, और इसके सूखे पत्तों से जो है पाउडर भी बनाया जाता है, जो होम्योपैथिक की पथरी की जो बहुत प्रचलित दवा है बर्बरिस वल्गेरिस, वो भी इसी पौधे से बनती है। वो किडनी की पथरी में बहुत फ़ायदा करती है, इसलिए आप लोगों को इस पौधे के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और इसको आसानी से हम घर में गमलों में लगा सकते हैं। अल्सर की बीमारी है उसमें भी बहुत ही फ़ायदा करता है। तो अगर आपको भी इसी तरह से पौधों के बारे में जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए नए जो वीडियो हैं वो आप लोगों तक आसानी से पहुंचते रहें।